में खड़े हैं और देखिए इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं और देखिए जो गाड़ी में एक सांप जाने के कहाँ से घुसा ये तो अभी पता चलेगा पूछने के बाद, लेकिन जहाँ पर स्पेरों ने आकर अपने जो उनके पास सदियों पुराना हुनर है उसके हिसाब से जहाँ से निकाला है और गाड़ी का बोनट वगैरह खोलने के बाद आगे से सारा सिस्टम खोलने के बाद उसको निकाला गया। तो अभी हम दिखाते हैं वो सामने खड़े हैं वो सपेरे हैं जो, तो उन्होंने कितनी मुश्किल से जहाँ पकड़ा है और देखिए जहाँ पर ये सपेरे हैं जहाँ पर खड़े जहाँ पर इस समय हम जहाँ पर पासपोर्ट बनते हैं दिखाइए ये देखिए जहाँ पर ये बाबा लोग जो हैं सपेरे हैं जहाँ पर जिन्होंने एक सांप को पकड़ा है और गाड़ी किन की है ये भी हम पूछ के बताएंगे। और देखिए जहाँ पर ये जो लोग हैं सपेरे लोग हैं जहाँ पर ये सांपों में रहते हैं, घर में भी इनके सांप रहते हैं, बच्चे भी इनके सांपों से खेलते हैं और जब कभी प्रॉब्लम होती है किसी को तो ये अपना झोला उठाकर सांप को पकड़ने के लिए जहाँ पर आए हैं तो ये बताएंगे हमें कि सांप सब कितने रखे हैं, सांप इनके पास ही है जो इन्होंने पकड़ा है। कीना थोड़ा? हाँ जी कीना, मेरा नाम जी बाबा है। ते थोनु किन्ने बुलाया से ते? ये बाबू जी होना ने बुलाया था सानू। की कहंदे सी ये? ये कहंदे से सांप वड़या था भाई गड्डी दे विच। अच्छा भी जल्दी आ जाओ। ते फिर किवें कढ़िया तुसी? हां जी हाथा नाल जी। हाँ पता लगे जी किथे सांप? हां जी आसी ओ कार दी जेड़ी ना लाइट हुंदी है मोरली, असी लाइट खोली ते लाइट दे विच ही बैठा होया सा। अच्छा हां जी। अच्छा ते थोनु किवें पता लग्गिया कि गड्डी सांप हैगा? वा ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਸਾਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹੀਂ ਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇ ਸਾਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਘੁਸੜ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਪ ਤੋ ਸਭੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਸਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇ ਹੈਲੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮ ਆਪਕਾ ਸਾਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ जो इन्होंने पकड़ा है। और देखिए जहाँ पर ये लोग सभी यहाँ इकट्ठे चारों तरफ लगा दे कैमरा और हम जहाँ स्पेशल मुड़कर आए हैं प्रताप चौक से देखा कि जहाँ पर भीड़ लगी हुई है और देखिए जहाँ पर ये सांप जो इन्होंने पकड़ा है और देखिए ये अभी सांप दिखा रहे हैं आपको। ये गाड़ी में था सांप, गाड़ी में जब अंदर चला गया तो घबरा गए जो मालिक थे कि जब गाड़ी में सांप चला गया अब क्या करें, तो इन्होंने जहाँ पर फ़ोन किया तो स्पेरों को बुलाया। तो चलो देखिए जहाँ पर जो गाड़ी थी वो चली गई लेकिन सपेरे अभी भी जहाँ मौजूद हैं। और देखिए ये सांप है जिसको देख के हर कोई डर जाता है और देखिए ये सांप है जो गाड़ी से निकला है, इतना बड़ा सांप देखिए ये, और देखिए ये गाड़ी से निकला है और ये इतना बड़ा सांप जब इन्होंने देखा कि गाड़ी के बीच में जा रहा है तो ये सपेरे आए तो इन्होंने अपने हाथ से पकड़ लिया। और देखिए जब बाबा जी दिखाइए ये बाबा जी साथ हैं इनके और देखिए ज़्यादा हिम्मत। अच्छा ये डरता होंगे ही है सप का चोर का चुगलखोर का कोई तबार नहीं कहदे वास्ते एक ढिड वास्ते बच्चों वास्ते अपने साड़ी परमात्मा ने रोजी रोटी जनाब ये चीज़ों की बना दी। मेनका गांधी ने बंद करते सप तो मसा बखाने सरकार ने मेनका गांधी ने बंद किए थे पर सरकार ने सानू जिमें कि असी लड़की की शादी च दें सानू 11 दिन वास्ते अलाउट किया सरकार ने भी खुद कि असी ज़्यादा टाइम तक सप नहीं रख सकते। ये सानू जो मेहनत दे देंगे साड़ी आन दा तेल पानी दा जो खर्चा दे देंगे। हाँ जी ना मांगते होंगे बाबा कभी किसी से पैसे नहीं मांगता। और जहाँ पर गाड़ी में जो सांप चला गया था वो लाइट के पास छुपकर बैठा था, इतना बड़ा सांप देखे ये इन्होंने हाथ से पकड़ा और पानी भी पिला रहे हैं उसको दिखाते जरा थोड़ा सा। और देखिए ये पानी पी रहा है इस समय और इसे जाके दूध भी पिलाएंगे ये। मैं दस दें तुम और देखिए यहाँ पर ये पानी पिला रहे हैं पानी पी रहे हैं दूध पी लूँगा और दूध भी पिएगा ये दूध भी पिला सकते हैं दूध भी पिएगा पानी पीता है तो दूध भी पिएगा। देख लीजिए सांप और देखिए प्यास लगी हुई थी ये भटकता भटकता यहाँ पर ये जो मार्केट है जहाँ पर पासपोर्ट जो हमारा लुधियाना का ऑफिस है उसके पास ही ये बस स्टैंड के पास लुधियाना शहर में एक गाड़ी से अभी सांप निकाला है। और जहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और देखिए ये पानी पी रहा है और देखिए ये सांप जो इन्होंने गाड़ी से निकाला है। हाँ देखिए ये कैसे पकड़ रहे हैं इसको बिल्कुल नहीं डरते जय। और देखिए ये चले गए हैं जहाँ पर
हाँ देख लो, ये सभी लोग यहाँ पर इसको लेकर जाएंगे। और यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर यह गाड़ी में सांप जो वो सामने गाड़ी है वो देखिए भाई, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। इधर ला मोटरसाइकिल के पास ला, ये वाली गाड़ी है, ये गाड़ी थी। और देखिए ये बाबा जी का, हाँ कहाँ आया था सांप, जिसमें सांप था ये गाड़ी पे लगा। और उसके बाद देखिए सामने जो जिनकी गाड़ी थी वो सामने खड़े हैं जहाँ पर, और उन्होंने देखा कि उधर से सांप आ रहा है सामने दिखा जरा, वो जो इनोवा गाड़ी खड़ी है उधर से सांप आया तो उनकी आंखों के सामने ये गाड़ी में एंटर किया। ये लुधियाना शहर है, लुधियाना शहर में इस समय हम खड़े हैं जहाँ पर देखें चारों तरफ, इधर भी लगा दो। और देखें जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले इस गाड़ी में सांप नीचे से चला गया इसके अंदर, और इसका जब बोनट खोलने के बाद लाइट के पास छुपा बैठा था तो बाबा ने पकड़ा। तो आइए फिर हम आपको बाबा के पास लेके चलते हैं, लगाते हैं मुझे के सामने खड़े हैं जहाँ पर ये लोग आए थे तो इन्होंने सांप को पकड़ा। सांप को पकड़ने के बाद अपने कपड़े में लपेटा, लपेट के किसी जंगल में छोड़ देंगे क्योंकि इनके पास तो घर पर भी बहुत सांप होते हैं, लेकिन ये आज से नहीं सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। और देखिए जहाँ पर ये सभी लोग, हमने आपको दिखाया कि लुधियाना शहर में गाड़ी में सांप घुसा, और घुसने के बाद जब मालिक को पता लगा तो उसने सपेरों को बुलाया, मोटरसाइकिल पर सपेरे फौरन पहुँचे और उन्होंने सांप को काबू किया। सांप को काबू करने के बाद घंटी में बांध लिया। और ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी चलते चलते हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, कोई रोड शो दिखाई देता है तो हम आपको दिखा देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये इस समय पैसे, और देखिए जहाँ पर ये मोटरसाइकिल पर आए तेल पानी का खर्चा लेंगे, और उधर देखिए और सांप पकड़ा गया, कहते हैं आप सांप पकड़ने वाले भी चले हैं। और देखिए ये हमने अभी आपको सिखाया लुधियाना शहर में पासपोर्ट ऑफिस के पास बस स्टैंड के पास जहाँ पर गाड़ी में सांप घुसा था और सांप को सपेरों ने पकड़ा। अभी हमने आपको दिखाया कि जब कभी गाड़ी में सांप घुसड़ जाता है, गाड़ी में सांप चला जाता है तो उसे निकालने के लिए सपेरों की सहायता लेनी पड़ती है, और सपेरों ने सांप को निकाला लेकिन वो मोटरसाइकिल पर आए थे जहाँ पर उनका डेरा होता है। तो लेकिन फिर भी लोग जब पैसा देने की बारी आती है तो कहते हैं भैया जितने ले लो उतने ले लो, चलो जितने में वो लेंगे या देने वाले की मर्जी है लेने वाले की मर्जी है। लेकिन उन्होंने सांप जहाँ से निकाल दिया, और सांप निकालने के बाद उन्होंने अपनी जो कपड़ा था उसमें बांध कर वो अपने डेरे की तरफ चले गए हैं, और वो कहते हैं हम इसे जंगल में छोड़ देंगे। धन्यवाद।